हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको केले के छिलके से बहुत अच्छा इंस्टेंट वाइटनिंग पैक फेस पैक बनाना बताती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू है और बिल्कुल लेटेस्ट इसकी रिसर्च है कि केला आपकी स्किन के लिए और इसका जो छिलका होता है ये आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं और फिर इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले ये केले का छिलका ले लेंगे इस तरीके से और उसको बीच में से इस तरह कट करके ये छोटे छोटे से इसके इस तरह से क्यूब्स बना लें। ये क्यूब्स बनाकर अब इसको एक तरफ कर देंगे। अब इसके बाद हम एक बाउल लेकर इसके अंदर हमने हाफ टी स्पून हमने लेना है मिल्क पाउडर। ये देखिए हाफ टी स्पून हमने मिल्क पाउडर ले लिया सेम क्वांटिटी में, और इतनी ही सेम क्वांटिटी में हम ले लेंगे बेकिंग सोडा जितना कि हमने वो लिया है मिल्क पाउडर लिया है उतना ही हमने बेकिंग सोडा लेना है। ऑलमोस्ट सेम ही बस इसको मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हम एक ऐड करेंगे एक विटामिन ई का ये कैप्सूल, क्योंकि विटामिन ई अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है ड्राई हो रही है ना तो फिर आप विटामिन ई का कैप्सूल डाल लीजिएगा और अगर नहीं है तो आप मत डालें, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगी। और इसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि ये स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। पानी की जगह आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। अगर आपकी स्किन एक्नी है एक्नी प्रोन ऑयली स्किन है तो आप इसमें ये लेमन जूस ऐड करेंगे, और अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई है तो आप इसमें विटामिन ई डालेंगे। बस ये कि स्मूथ सा इस तरह पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद ये जो बनाना के हमने ये छिलके हैं जो केले के इस पर हम ये लगाएंगे ये इस तरीके से पूरा ये और इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये इस तरह से पूरा पेस्ट फ्रिज ये लगाया और इसके बाद आपने इसको फ्रीज़र में फ्रीज कर लिया, और फिर जब भी आपने डेली बेस पर या जिस तरह भी आप इसको क्यूब की तरह फ्रिज से निकाला और अपने फेस पर रब करना शुरू कर दें और फिर आप देखिएगा इसका रिज़ल्ट। ये देखिए ये इस तरह से पूरे रेडी हो जाएंगे। तब इसमें से हम एक लेकर और ये हम इस तरह अपने हाथ पर ये रब करेंगे पूरे फेस पर, ये इस तरीके से पूरे फेस पर रब करते जाएंगे। ये अपर स्ट्रोक्स रखने हैं इसके, क्योंकि बनाना बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और ये बहुत अच्छा स्किन को मॉइस्चर करता है और बहुत अच्छा नरिश करता है, रिवाइटलाइज करता है ड्राई स्किन को, रफ स्किन को, एजिंग साइंस को दूर करता है, और एक्नी प्रोन स्किन ऑयली स्किन जो होती है उन सब के उसका ऑयल कंट्रोल करता है। ये बहुत ऑल स्किन टाइप्स के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा इसके अंदर जो हमने बेकिंग सोडा ऐड किया है तो बेकिंग सोडा जो होता है
है वो रिमूव करता है बैक्टीरिया को और ईचिंग स्किन हो जाती है हमारी जो, वो उसको प्रिवेंट करता है और सनबर्न से हम कंट्रोल करता है और एलर्जीज हो जाती हैं स्किन पे किसी भी किस्म के, क्योंकि जब आपके स्किन पे बैक्टीरियाज हो जाते हैं तो फिर एलर्जी हर तरह की प्रॉब्लम आना शुरू होती है, तो ये उन सब से आपको कंट्रोल करता है। और मिल्क आपको पता है ये तो वैसे ही स्किन के लिए बहुत अच्छा वाइटनिंग होता है और नरिश करता है स्किन को। अब इस तरीके से अब हम इसको छोड़ देंगे हाफ एन आवर के लिए, उसके बाद फिर हम इसको टैप वाटर से वॉश कर लेंगे। ये देखें आधे घंटे के बाद ये इस तरह का ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल आपको अपनी स्किन जैसे खिंची खिंची सी महसूस होगी। तो ये अब जाकर हम इसको टैप वाटर से वॉश कर लेंगे। ये देखें आफ्टर वॉश आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा कितना क्लीन और कितनी स्मूथ सी स्किन हो गई है, क्योंकि ये इसके अंदर बहुत अच्छी मिकदार में वाइटामिन सी और वाइटामिन ई होता है बनाना के अंदर, तो ये दोनों चीज़ें स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो ये सारे जो हमारे निकल्स होते हैं और हमारे एल्बो हमारे नीज जो ब्लैक पड़ जाते हैं और कुछ लोगों के गर्दन जैसे का एरिया भी डार्क हो जाता है, तो ये स्पेसिफिक नहीं है कि आप सिर्फ एक ही जगह पे इस चीज़ को अप्लाई करें, जो जो एरिया आपका डार्क हो जाता है वहाँ इसको लगाइए तो आपको फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा रिज़ल्ट नज़र आएगा। तो इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।